आज आप ड्राइव कर रही हैं क्या? लास्ट दिन है, मैंने सोचा आज एवेंजर चला के देख लेते हैं। मुर्गी भी है, सुबह कुकड़ू कु बोलती है वो। क्यों बोलती है? खाली हवा। अभी अभी हमने क्या देखा कि ये देखिए आप, यू कैन सी कि लोगों ने पार्टी तो करी है, इट्स ओके, बट ये देखिए। गुड मॉर्निंग गाइस, आपके साथ क्या हुआ? पैदल क्यों? मॉर्निंग बाइक चल रही थी, पेट्रोल खत्म। बाइक है वो, हाथी है? हाथी है, समझ लो बुलेट ही वो हाथी है। उससे गंदी है, बुलेट भी उससे ज्यादा चलती है। हाँ। वो चली कितनी थी कल? हमने टैंक में पूरा जंग लगा है। अरे मैंने कहा 100 रुपए का पेट्रोल डलवाओ यार, मेरे ऐड पर मैं दे दूंगी 100 रुपए। ये देखो फिर आगे पैदल हो गए यहाँ पर। यार जी जी, तुम्हें बाइक चला के कैसा लग रहा है आपको ये बताइए? 10 किलोमीटर भी नहीं चले पर 1 लीटर खराब कर दिया। इससे अच्छा तो हाथी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ले ले एवेंजर तू, ले ले, कोई दिक्कत नहीं। आपको कैसा लग रहा है सुबह सुबह वॉक करते हुए? भागा भी तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये जा रहे हैं स्कूटी में पेट्रोल लेने। यहाँ पर मतलब ये समझो ना, पेट्रोल ही पेट्रोल के लिए अगर तुम 3-4 दिन घूम रहे हो, अगर तुम्हें ऐसी गाड़ी मिल गई। अभी हमने तो गाड़ी बदल दी है, एक एक्टिवा ली थी पहले एवेंजर से पहले, वो भी बदल दी, वो भी तेल खा रही थी। अगर आपने कोई ऐसी गाड़ी ली है तो ये नई गाड़ी लेनी है, कोई नई गाड़ी लेनी है, ये बात सही कही। पर वो कॉस्टली है, उसके की उसकी जो कॉस्ट है वो 700-750-800 रुपये। इनको 350 रुपये बोला था, पर जिस दिन हम आए थे उस दिन 750 रुपये कह रहा था। चाय पीते हैं पहले हम, चाय 3 चाय लेते हैं मॉर्निंग। तेल लिया हो? लेके आ जाना बल। सही तो है, बस ब्रेक का ध्यान देना। डाल दो उसमें तभी आ चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। ब्रेक का ध्यान देना, ब्रेक का उसमें कंफ्यूजन हो रहा है, बहुत ऊपर है ब्रेक, नहीं हो रहा है। हाँ बस कौन सी चाय पी रहे हो भाई? ईरानी। हाउ मच कॉस्ट? 30 रुपीज आप पर कप। अच्छा भाई लोगों, यह है ईरानी चाय, और ईरानी चाय पीने का ही मज़ा कुछ और है। सही है, और आज की सुबह आपके नाम ईरानी चाय के नाम। चलिए पीते हैं। आज आप ड्राइव कर रही हैं क्या? लास्ट दिन है, मैंने सोचा आज एवेंजर चला के देख लेते हैं। और ये बहुत स्कूटर हैं, और ये स्कूटर से ये देखो हम स्कूटी में आ गए हैं, मुझे सैर करा, और इन्हें हेलमेट भी नहीं पहना। अरे यहाँ बिना हेलमेट के बेटा गोवा खरीद दिया मैंने यहाँ के, तुझे कुछ पता है? गोवा खरीद दिया इसने, बागा बीच खरीद दिया। हमारा लास्ट दिन है गोवा में, और सुबह उठ चुके हैं आज जल्दी। हमने तो गाड़ी रेंट पे ले रखी है, मतलब इसका लास्ट दिन में हम पैसा वसूल कर रहे हैं। अभी हम मॉर्निंग में पहुंच चुके हैं। आधा तो पार्किंग में ही आदमी हो जाता है बाबा, यहाँ हमारे पास भी नहीं है पार्किंग। पार्किंग के लिए 500 रुपये चाहिए हर बीच के लिए। वो सबसे महंगा बीच कहाँ था? जहाँ 50 रुपीज पार्किंग थी। आओ यू मॉर्निंग दर्शन कर लेते, महादेव से ही शुरुआत कर लेते हैं। आज हमने घर भी जाना है, तो दिन की शुरुआत बीच से पहले महादेव के नाम। यह है महादेव का मंदिर, और आरती हुई है, और हर हर महादेव जी। मौसम जो है ना बहुत ही क्लाउडी है यार, एक नंबर मौसम हो रखा आज। कल हमारा खर्च हो गया है बहुत सारा रुपया, 1000 रुपये से ऊपर तो हमने गाड़ी में खर्च किया। अभी 700 और देंगे उसको, क्या नहीं 700 रुपये उसका देंगे तो 15-17। मुर्गी भी है, सुबह कुकड़ू कु बोलती है वो। क्यों बोलती है? खाली हवा आर्टिफिशियल मुर्गी। कुकड़ू कु बोलती है। हाँ कहाँ से? हाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भूखे कुत्ते, क्योंकि रात को इतना खा लेते हैं यहाँ लोग, देते रहते हैं ना, और सही भी है, बट ये सुबह बोरा जाते हैं बोरा। ये है बागा बीच का मॉर्निंग व्यू, और
मॉर्निंग व्यू जो है काफ़ी डिफरेंट है एक रात कि वो कुड़ 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 से अभी का मतलब एकदम यू कैन से कि हाँ शांति है। आप अपना बैठिए यहाँ सुबह सुबह मॉर्निंग में, यू कैन इन्जॉय। कौवे भी अपनी पार्टी कर रहे हैं, देखिए कितना शांत है। और वेदर देखिए ना आप कितना क्लाउडी है आज यार, एक नंबर। और सुबह सुबह बागा बीच में आ गए हैं। और मतलब यार रात को तो काफ़ी क्राउड रहता है, अभी कम है, अभी वही लोग हैं जिन्हें शांति पसंद है और जो सुबह जल्दी उठ सकते हैं, सही है, वही लोग यहाँ पर हैं। कुछ बताएंगे अब आपको, अच्छा थोड़ा इनका भी सुन लीजिए, आप अपना बताइए। कलंगोट और बागा बीच कभी भी आना है आपको, यहाँ जरूर घूमिए। यहाँ पर आप जितने दिन आप स्पेंड करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ का जो मुझे यही बीच ज़्यादा पसंद आया है, बागा और कलंगोट। अभी हमने क्या देखा कि ये देखिए आप, यू कैन सी कि लोगों ने पार्टी तो करी है, इट्स ओके, बट ये देखिए बियर बियर और बियर, भले ही यहाँ कोई आता ना हो, यहाँ कोई आता ना हो, ये देखिए यू कैन सी बियर के पास। अगर किसी के पाँव में लग जाए, कोई गया है या वहाँ चले जाए, सपोज़ ये पहके वहाँ ज़मीन में रह जाए, रेत में रह जाए, तो किसी का पाँव कर सकता है नहीं कर सकता, तो ये चीज़ प्लीज़ अवॉइड करिए। हो सके तो आप पीते हैं, इट्स ओके, बट उनको फोड़िए नहीं। ये देखो एज अ ह्यूमन बींग आप लोग इसको अवॉइड करिए, ब्रेक करना बोतल को, आप एक साइड में रख सकते हैं दूर, अगर आपको इतना कष्ट होता है, पेनफुल होता है कि आप नहीं रख पाते हैं। तो ये देखो विदाउट स्लीपर का चल रहा हूँ, तो ये मेरे पाँव में लग सकता है, नहीं लग सकता, लग सकता है और काट सकता है पाँव, आपको पता है कांच कितनी जल्दी पाँव काटता है। ये आज लास्ट डे है, बरसात होने वाली है, 3 o'clock में हम वाजगोटिकामा से, हमारी ट्रेन है, अभी हम वाजगोटिकामा के लिए निकलेंगे थोड़ी देर में, 10 o'clock समथिंग। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. मौसम जो है बहुत ही बढ़िया हो चुका है और बारिश हो रही है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। रोड देखिए हल्की हल्की बूंदाबांदी पड़ रही है, आज गोवा में भी मौसम सुहाना हो गया है। अभी गाड़ी हमने यहाँ रिटर्न कर दी है, और टाइम से रिटर्न कर देना वरना एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा, और अगर एक्सटेंड कराना है तो आप पहले इन्हें इन्फॉर्म कर देना, देने से पहले कि हमें और चाहिए तो ये दे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट जो टाइमिंग है उसे लेट मत करना। वास्को डी गामा रेलवे स्टेशन, और वहाँ से हम जाएंगे कोपर गाँव, तो ये से निकालो। कैसा लग रहा है, कहाँ जा रहे हो? सपने, मजा आया हैं? क्या शॉपिंग क्या क्या करी है? मैं बहुत शॉपिंग करी लग रहा है, जीजी ने बहुत शॉपिंग करी है। अब कहाँ को? अपनी ट्रेन लेने के लिए वाजगोटिकामा। मजा आया गोवा में फुल, या और रुके? बस नहीं मिल पा रही है एक, टैक्सी वाले तो 1200-1800-2000 रुपये बोल रहे हैं से वाजगोटिकामा के। बस ले लीजिए हमने पंजी के लिए, और बस टैक्सी वाले कितना बोल रहे थे, 1200-1500-1800, और वो भी वैगन आ गए। बट अभी हम बस में आए, बस में हमें मिल रहा है यहाँ से 30-35 रुपये। बाकी अपडेट पंजी से वास्को डी गामा पहुँचने के बाद देते हैं। You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever want to give me wings. वास्को डी गामा रेलवे स्टेशन, वही है वास्को निज़ामुद्दीन वाली ट्रेन जिससे हम आए थे कोपर गाँव, कोपर गाँव से शिरडी,
The evil voodoo got me coming back for more, even when I've been screwed.